कॉल राइट डाउन कंट्रीज, इनको सीक्वेंस करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंडिपेंडेंस. लाइक मैं आपको फोर कंट्रीज के नेम जो है बता रही हूँ. पहले कंट्रीज का नेम लिखो, इंडिया, इंडिया, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, इंडिया, मैक्सिको, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका. इसको असेंडिंग में करो, हरी अप, असेंडिंग ऑर्डर. पहले उनके ईयर मार्क करो, ईयर कौन कौन से, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने उसको करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है कि पहले कौन सी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, सेकंड नंबर पे कौन सी है, थर्ड नंबर पे कौन सी है, फोर्थ नंबर पे. हरी अप. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो राइट डाउन फोर कंट्रीज, इंडिया, श्रीलंका, सॉरी मैक्सिको, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका. उन कंट्रीज की आपको इंडिपेंडेंस ईयर याद होना चाहिए. दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ वन मार्क एमसीक्यू. हाउ? इनकरेक्ट ऑर्डर विल बी गिवन एंड यू हैव टू मैच और यू हैव टू राइट इन सीक्वेंस. वेरियस ऑप्शंस विल बी गिवन, देन यू हैव टू सिलेक्ट विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन एंड विच इज द करेक्ट ऑप्शन, लाइक दिस. ठीक है? यस, ओके. ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, देखते हैं आपका आंसर मैच होता है. यस, नंबर वन. यस, रेज योर हैंड्स. हाँ जी, जयदेव, कीप योर माइक ऑन बेटा. जयदेव, कीप योर माइक ऑन. नो, ओके. धैर्य. हाँ जी बेटा, धैर्य, कीप योर माइक ऑन बेटा. एनी अदर स्टूडेंट? ख्याति, ख्याति, ओके. ऑफलाइन स्टूडेंट्स, व्हाट इज द राइट आंसर? नंबर वन मैक्सिको, ईयर 1930. सेकंड इंडिया, इंडिया 1947. जिम्बाब्वे 1980 एंड साउथ अफ्रीका 1994, लाइक दिस. क्लियर? वेरी गुड. सो विद दिस काइंड ऑफ, यानी कि वैसे देखा जाए तो ये एक एमसीक्यू है, लेकिन जब आप इसको मैच या सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करोगे तो आप ये सोचो कि 4-5 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन अ सिंगल एमसीक्यू. तो लाइक दिस यू हैव टू रिमेम्बर द इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ये तो याद करना ही है कि कौन से ईयर में है, बट नाउ यू हैव टू मैनेज कि आपने उसको ऑर्डर में कैसे याद करना है, ताकि आपको पता हो कि कौन सी इवेंट पहले हुई, कौन सी इवेंट बाद में हुई. अब ऐसे में आपको कुछ और इवेंट्स लिखवा रही हूँ, लाइक नंबर वन पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. राइट डाउन सीक्वेंस बाद में करेंगे, पहले आप इवेंट्स लिखो. पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, थर्ड इज डिमांड ऑफ मोतीलाल नेहरू, डिमांड ऑफ मोतीलाल नेहरू टू प्रिपेयर ड्राफ्ट, डिमांड ऑफ मोतीलाल नेहरू टू प्रिपेयर ड्राफ्ट. देन कराची सेशन, कराची सेशन, एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन. क्योंकि सिविक्स में भी आपने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट था. सो नाउ राइट इन सीक्वेंस. तो ऐसे एमसीक्यूज आपको ऑर्डर में लिखना होगा. वेरियस ग्रुप विल बी गिवन, लाइक ए, ए ऑप्शन विल बी देयर, बी विल बी देयर, सी विल बी देयर, डी विल बी देयर. उसको आपने पहले खुद ऑर्डर में करो, उसके बाद उनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, देन यू हैव टू टेक. समझ आया आपको? क्लियर? सो राइट इन सीक्वेंस. हरी अप.
सीक्वेंस में करो जल्दी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो। सबसे पहले इवेंट्स जो मैंने करवाई हैं उनके ईयर या उनका सीक्वेंस बना लो कि कौन सी इवेंट पहले हुई थी। वेरी गुड, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोतीलाल नेहरू की डिमांड कौन से ईयर में आई थी? 1928। देन थर्ड कराची सेशन, फोर्थ फॉर्मिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली बनी और उसके बाद उन्होंने क्या किया? पासिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्लियर, ऑप्शंस हो गए सारे, ऐसे याद रखना आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी तरह से प्रैक्टिस करो अभी। ओके, अब एक तरफ हम कंट्रीज की पार्टीज और एक तरफ मैं आपको करवा रही हूँ कंट्रीज का नेम, आपने उसको सीक्वेंस में बना के मुझे बताना है। लाइक एक तरफ आप लिखो पार्टीज का नेम, मैं आपको ऑर्डर में नहीं करवा रही हूँ, अलग अलग करवा रही हूँ, आपने उसको मैच करके मुझे करेक्ट ऑर्डर बताना है। ऐसे ही एमसीक्यूज के लिए आपने उनको मैच करके, फोर ऑप्शंस विल बी गिवन ए बी सी डी, और करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपने मैच करके, जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपने उसको टिक कर। ठीक है, लाइक नंबर वन पीआरआई, पीआरआई जेनू पीएफ, जैसे कॉलम होते हैं ना, एक तरफ होगा पीआरआई लाइक जेनू पीएफ, बीजेपी, बीजेपी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, चाइनीज तो यहाँ पे लिखा है तो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, क्योंकि हमने बताना नेम, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब दूसरी तरफ कंट्रीज, जो जो भी इनकी कंट्रीज है तो इनके सामने कंट्रीज का नाम लिखो। मे बी एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन लिखा होगा तो आप पहले अपने आप ही याद करो कि कंट्रीज कौन सी है, देन इट विल बी इजी टू फॉर यू टू मैच। मैच करो जल्दी से, कंट्रीज का नाम लिखो तो ऑटोमेटिकली आपकी मैच भी हो जाएगा। राइट डाउन द कंट्रीज, जिस कंट्री से वो पार्टी बिलोंग करती है यू हैव टू राइट डाउन, उसके सामने सामने पार्टी का नेम लिखो। एंड इन एमसीक्यूज हाउ दिस क्वेश्चन कैन कम, लाइक लिसन, ऑन वन साइड पार्टीज विल बी देयर, ऑन सेकेंड साइड कंट्रीज विल बी देयर, यू हैव टू मैच, एंड इन ऑप्शन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, वेरियस काइंड ऑफ ग्रुप विल बी गिवन टू यू, विच ग्रुप विल बी करेक्ट ऑप्शन, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपने टिक कर। ठीक है, हाँ जी, नंबर वन पी आर आई, पी आर मैक्सिको, नंबर टू जेनू पी एफ जिम्बाब्वे, थर्ड बीजेपी इंडिया, फोर्थ उसको तो पता ही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चाइना, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस, साउथ अफ्रीका नहीं साउथ अफ्रीका, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री इन अफ्रीका। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ। अब कई बार क्या होता है, कंट्रीज एक तरफ हो सकती है, उनकी सिचुएशन भी होगी आपको, लाइक कंट्रीज एंड सिचुएशन। अब मैं आपको सिचुएशन करवा रही हूँ, नंबर वन नो राइट टू वोट फॉर वुमेन, नो राइट टू वोट, अपने आप आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा, माइंड में आ जाएगा कि कौन सा है, नो राइट टू वोट फॉर वुमेन। नंबर टू वैल्यू ऑफ वोट इज सिंगल, वैल्यू ऑफ वोट इज सिंगल फॉर ओरिजिनल, सॉरी वैल्यू ऑफ वोट इज सिंगल फॉर दोज हु आर नॉट ओरिजिनल, वैल्यू ऑफ वोट इज सिंगल फॉर दोज हु आर नॉट ओरिजिनल, जो वहां के ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, थर्ड नो वोटिंग राइट्स फॉर रशियन, नो वोटिंग राइट्स फॉर रशियंस। फोर्थ सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस,
separation on the basis of race and color. Next is military coup. Military coup in 1999. Military coup in 1999. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. मे बी इन एमसीक्यूज इनके सामने कंट्रीज होंगी और फोर ऑप्शंस विल बी देयर. उसमें क्या होगा, आपको मैच करके बताया होगा. थ्री होंगे रॉन्ग मैच और एक होगा राइट मैच. तो राइट मैच करके आपने उसको मैच कर लेना है. नाउ राइट योर सेल्फ, अपने आप लिखो कौन सी, मैंने कंडीशंस बताई हैं, अभी कौन सी कंट्री के साथ मैच होती है. राइट डाउन द नेम ऑफ कंट्रीज. हरियाणा, यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, नाउ यू विल आल्सो पार्टिसिपेट, रेज योर हैंड. व्हाट हैपेंड टू यू बेटा? यस, हाँ जी, धैर्य. यू विल टेल मी द करेक्ट ऑप्शन बेटा. हरी अप, डोंट वरी, आई विल टेल यू द हिंट्स आल्सो. यस, ट्राई टू गिव द आंसर. धैर्य. हाँ जी बच्चे, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? ख्याति, यस मैम. हाँ जी धैर्य, आंसर्स आपके माइंड में आ गए हैं बच्चे? मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. क्वेश्चंस रिपीट करो. ओके, यस. फर्स्ट इज No right to vote for women. Value of vote is single for those who are not original inhabitants. Then third is no voting rights for Russian minority. Then separation on the basis of race and color. And last is military coup in 1999. So first kya aega? No right to vote for women. Anji Dharia. Right answer is? Yes ma'am. राइट आंसर इज नो राइट फॉर वुमेन. कहां पे है, कौन सी कंट्री? नॉन डेमोक्रेटिक. मैम ए ऑप्शन. हां, नॉन डेमोक्रेटिक मैम. सऊदी अरेबिया नॉन डेमोक्रेटिक. सऊदी अरेबिया. आपने जस्ट कंट्रीज के नेम बताने. सेकंड इज वैल्यू ऑफ वोट इज सिंगल फॉर दोस हु आर नॉट ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स. व्हिच कंट्री व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ओरिजिनल है इनहैबिटेंट्स जो है उनके वोट की वैल्यू सिंगल है लेकिन बाकियों की डबल है? मेक्सिको. ध्यान से सुनो, कौन सी कंट्री ऐसी है जहां पे जो ओरिजिनल है, ठीक है, जो ओरिजिनल है उनके वोट की वैल्यू डबल है लेकिन बाकी, सपोज इंडिया से कोई वहां पे गया, उस वो अगर वोटिंग करेगा तो उसकी एक ही वोट मानी जाएगी. कौन सी कंट्री है? एनी अदर स्टूडेंट रेज योर हैंड. नो आई डोंट नो. फिजी. फिजी बच्चे, फिजी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. नेक्स्ट इज नो वोटिंग राइट्स फॉर रशियन. कौन सी कंट्री है जहां पे रशियंस को वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए? नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एग्जांपल दिया मैंने आपको, तीन कंट्रीज बताई हुई. एनी अदर स्टूडेंट रेज योर हैंड. हाँ जी जतिन, जतिन बच्चे, हाउ यू विल डू एमसीक्यूज क्वेश्चंस? This kind of tricky MCQs you have to do. MCQ doesn't mean the simple statement will be there. You have to like write like this, match the correct answer, sequence, chronological order. This type of questions will be there. Like a question करने में at least आपको 2-3 minutes सोचने का जो है वो time दिया जाएगा ना, तभी आपका complete होगा. और ये थोड़ी कि simple question है तो answers will be given. You have to match the right answers and then चार group होंगे, उन group में से जो right matching होगी उसको tick करना आपको. Clear? हाँ जी, नो आंसर. ओके, यस, ऑफलाइन स्टूडेंट्स. हाँ जी, एस्टोनिया. वेरी वेरी गुड बेटा. सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस एंड कलर. साउथ अफ्रीका अपार्टहाइड पॉलिसी जो थी. एंड मिलिट्री कूप इन 1999. हाँ, पाकिस्तान. यस, पाकिस्तान. ओके, नाउ सेम नेक्स्ट लिखते हैं हम. अब आ जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसमें जैसे प्रियम्बल से कैसे आ सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रियम्बल के जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड, लाइक मैं आपको स्टेटमेंट नोट करवा रही हूँ. नंबर वन,
no interference in internal and external matters, no interference in internal and external matters. Number two, head of the country is not elected hereditary. Head of the country, ऐसे लिखो, head of the country is elected but not hereditary. Head of the country is elected but not hereditary. Third is, wealth will be generated equally by all. Wealth will be generated. Wealth will be generated equally by all. Next is, no state religion. Next is, people elect their representatives. अब ये जो लाइन है ना, ये कौन सी लाइन है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सॉवरन रिपब्लिक. अब मैच करो कि मैंने आपको जो स्टेटमेंट्स लिखवाई हैं, इनके सामने कौन सा वर्ड जो है, एग्जैक्ट वर्ड जो है वो आप लिखो. राइट वन वर्ड फॉर दिस. कौन सा वन वर्ड आपको इसके साथ करेक्ट मैच होता? लाइक अगर आपको एमसीक्यूज दे होंगे ना, उसमें तो लिखा होगा. ठीक है, मैं जस्ट आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप खुद सोचो कि इसके राइट आंसर क्या होगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू मैच. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेज योर हैंड, हु विल गिव द आंसर? वेरी गुड रियांशिका, गिव मी द नोटबुक. रियांशिका वेरी गुड. यस, वन बाय वन आई विल स्पीक द स्टेटमेंट एंड यू विल गिव मी द आंसर. नंबर वन, no interference in internal and external matter, that is ma'am sovereign. Very good, that is sovereign. Iska matlab hai hamari country mein internal aur external matters pe kisi aur country ki interfere nahi hai, we are sovereign. Next is, head of the country is elected not hereditary. Iske liye kaun sa word suitable hai? Republic. Very good, republic. Third is, wealth will be generated by all, means rich aur poor ke beech mein koi difference nahi hota. Ye kaun sa word hai? Socialist. Then, no state religion. Secular. People elect their representative. Which form of government is there? Democratic. Which form of government? Democratic. Democracy. Very good. Okay, ऐसे. तो आप ये सोचो कि अब आपके जो MCQs हैं, वो simple MCQs नहीं हैं. अब हम करते हैं एक और practice, assertion and reasoning. Assertion and reasoning. अब इसमें मैं आपको स्टेटमेंट्स बाद में करवाती हूं, पहले इसके ना फोर जो है वो ऑप्शंस लिखे. ए ऑप्शन. बोथ आर करेक्ट. लाइक फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बोथ आर करेक्ट. एंड ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड इज लिखो ना, बोथ आर करेक्ट. एंड सेकंड इज एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन. Second option, B, both are correct, but second is not explanation of one. Both are correct, but second is not correct explanation of one. Third में लिख दो, first is true, second is false. first is true second is false
फोर्थ में लिखो, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू. फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू. अब आपके सामने कितने ऑप्शंस आ गए? फोर. अब मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स नोट करवा रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आपने मुझे बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एग्जैक्ट होगा. ठीक है, लाइक पहले स्टेटमेंट लिखो, पहले लिखो एजर्शन लिखो, उसके आगे ए लिख लो. एजर्शन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. फॉर एग्जाम्पल, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. रीजन लिखो, देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड अमेंडमेंट. देयर इज अ स्कोप ऑफ, स्कोप ऑफ चांस मतलब देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड अमेंडमेंट. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव भी किया जा सकता है, अमेंड भी किया जा सकता है. विच ऑप्शन विल बी ओके? जो ए कह रहे हैं कैसे कह रहे हैं? ए कौन कह रहा है? आप कैसे बच्चे बताओ? आप कह रहे हो कि बोथ आर ट्रू एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन. ठीक है, आप क्या कह रहे हो? आप बी कह रहे हो, आप कह रहे हो कि बोथ आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन. और कोई बच्चा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स मोस्टली बच्चों ने ए और बी ऑप्शन चुना है, थर्ड और फोर्थ नहीं चुना. लेकिन अब हमें बताना है कि ए और बी में से कौन सा राइट है. एनी अदर स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट, सॉरी अब. यस, आंसर जो है ए इज करेक्ट. बोथ आर ट्रू. मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. लिविंग का मतलब क्या है? लिविंग का मतलब इट इज नॉट अ क्लोज बुक, वी कैन चेंज. तो रीजन क्या दिया? देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट एंड अमेंडमेंट. तो योर आंसर इज राइट. आपने बताया दैट बोथ आर ट्रू एंड सेकेंड जो है रीजनिंग, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ठीक है, क्लियर? अब एक और स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये हो गया assertion. सेकेंड लिखो रीजन. पीपल आर लिविंग इन slums areas. फर्स्ट मैंने आपको बताया, एक में लिखो assertion, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. सेकेंड मैंने बताया पीपल आर लिविंग इन slums areas. स्लम्स एरियाज, हाँ ठीक है, दोनों करेक्ट है. इंडिया डेमोक्रेटिक है, रीजन भी करेक्ट है. रीजन क्या है कि मैंने आपको बताया कि दोनों स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो अपनी अपनी जगह सही है, बट इसका ऑप्शन क्या होगा? बी. बी ऑप्शन का मतलब है कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री अगर नीचे होता ना कि इंडिया, इन इंडिया देयर इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. In India, there is a universal vote of right. क्या right to vote is given to all. In जो भी democratic country के features हैं, there is a secularism in the country. तो हम मानते हैं कि दोनों जो है वो आपस में interconnected है. लेकिन B का मतलब है कि interconnected नहीं है. ये कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है. Assertion and reason जो है वो आपस में complementary नहीं है. एक और statement लिखो. In India, there is a parliamentary form of government. In India, there is a parliamentary form of government. In India, there is a parliamentary form of government. It is basically related to Russian society. It is basically related to, मतलब कहाँ से ली गई है Russian society? It is basically related to Russian society.
रीजन इन ऐसे लिखो ना, इन इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे लिखो इन इंडिया देयर इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. और सेकंड लिखो इट इज बेस्ड ऑन द रशियन सोसाइटी, या ये भी लिख सकते हो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसएसआर. अब मुझे बताओ कि इनमें से ओके ऑप्शन ए assertion और रीजन दोनों करेक्ट हैं, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. आता है ये? नो. ठीक है, तो ए ऑप्शन गया. बी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट. रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ये भी नहीं आएगा. वो बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री है, ये बता रहे रशियन सोसाइटी है ना, तो रीजन मैच नहीं हो रहा. थर्ड इनमें से करेक्ट कौन सा है? assertion करेक्ट है. थर्ड ऑप्शन क्या आएगा? वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग. तो थर्ड ऑप्शन आएगा. थर्ड ऑप्शन क्या आएगा? दैट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग. यस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में है, बट इट हैज नॉट बीन टेकन फ्रॉम रशियन सोसाइटी. ये रशियन सोसाइटी से नहीं ली गई. अब आ जाओ फोर्थ जो है उसका एग्जाम्पल. फोर्थ मैंने क्या करवाया है? फोर्थ मैंने क्या करवाया? ऑप्शन assertion is false and reasoning is right. अब ऐसा लिखो क्वेश्चन. नंबर वन, इन इंडिया women आर गिवन, इन इंडिया women आर गिवन 44% सीट्स इन लोकल बॉडीज. इन इंडिया women आर गिवन 44% सीट्स इन लोकल बॉडीज. इन इंडिया विमेन आर गिवन 44% सीट्स इन लोकल बॉडीज. सेकेंड लिखो इट इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया. इट इंक्रीज विमेन पार्टिसिपेशन इन इंडिया. अब आपने क्या बताना है? यस. अब आपका आंसर क्या होगा? पहले तो ये सोचो कि इंडिया में 33% है, 44 नहीं है, तो ये assertion wrong हो गया. assertion जो है वो फॉल्स है, लेकिन रीजन क्या कह रहा है कि अगर women को participation देते हैं तो it will increase women participation. तो इसका डी ऑप्शन आएगा, दैट दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू. ऐसे स्टेटमेंट को पढ़ के आपने बताना है कि दोनों मैच हो रही हैं, दोनों या तो मैच नहीं हो रही हैं, या फिर ये वाली जो नीचे वाला रीजन है वो assertion को करेक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशन देता है या नहीं देता. ठीक है, तो इस तरह से आपके ऑप्शंस ऐसे आ सकते हैं. ठीक है, एक और टाइप लिखो. टाइप एक और टाइप लिखो बच्चा. इसमें आपको टर्म्स आ सकती हैं लाइक रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. ऐसे लिखो टर्म्स, डेफिनेशंस दी होगी, एक तरफ डेफिनेशंस और एक तरफ टर्म्स है ना. रिटन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ओपनिंग प्रीफेस या इंट्रोडक्शन वो भी होगा, सोर्स होगा. केस स्टडी में क्या होगा? फुल पैराग्राफ विल बी गिवन एंड आउट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन. ओपनिंग प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ओपनिंग वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस. देन preliminary version of a legal document. preliminary ke spelling note karo. preliminary. preliminary version of a legal document. next is assembly of people who prepared constitution.
assembly of people who prepared constitution. हाँ जी. Now which raise your hand online students raise your hand. Hurry up. Okay, first question is very easy. Written set of rules. आपको पता ही है क्या ये constitution. Second is opening preface, that is preamble. Third, सेपरेशन का मतलब है अपार्टहाइड जो है साउथ अफ्रीका में फॉलो की गई थी. फोर्थ, प्रीलिमिनरी वर्जन होता है ड्राफ्ट, DRAFT. मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहले उसका ड्राफ्ट बनाया गया, फिर उसकी कॉपीज हुई. एंड असेंबली ऑफ पीपल हु प्रिपेयर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अब आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपने इन वर्ड्स को मैच करना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है. नंबर वन, जुलाई 1946. सेकंड इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. थर्ड इज डॉक्टर बी आर अंबेडकर. देन 26 नवंबर 1949. ओके, ऐसे याद रखो, जुलाई 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं और प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी. डॉक्टर बी आर अंबेडकर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हैं और क्या आ सकता है, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. 26 नवंबर को क्या हुआ था, आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द कॉन्स्टिट्यूशन, पास कर दिया था, प्रिपेयर हो गया था, अडॉप्ट कर लिया था. लेकिन हाँ, फर्स्ट, हाँ ये भी आ सकता.